हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर। वेलकम टू आर्केडिक क्लासेस। पहले हमें प्रीवियस क्लास रे कौन डिस्कशन करते ले? लास्ट टाइम हमें 2020 रो 3 मार्क क्वेश्चन किछ डिस्कशन करते ले, आउ किछ रिमेनिंग रही है थिले। आज ताको हमें फिनिश कर दा पले। ता सहित किछ पिलांकर डाउट थिला, से माने प्रॉब्लम किछ देथिले, से प्रॉब्लम को आज हमें सॉल्व करबा। ओके पले, चलो आरंभ करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, से कहला क्वेश्चन नंबर 4 जोडा की 3 मार्क बेस्ट। स्टेट एंड एक्सप्लेन बोर्स पोस्टुलेट ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोरंगर फर्स्ट पोस्टुलेट कौन कहू छी? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। दैट पाथ इज सेड टू बी ए स्टेशनरी और परमिटेड पाथ। व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दैट पाथ, दे प्रोवाइड ए सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके पिले, सच दैट दे पजेज सम एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। अकॉर्डिंग टू दैट पोस्टुलेट वी नो द एंगुलर मोमेंटम पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एल इक्वल टू एम वी आर व्हिच इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। कहीं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई कौच अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एंड मीन्स इंटीजर्स 1, 2, 3 लाइक दैट। सो कौन पाइले पहले एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट कौन? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट, दे बिकम्स एक्साइटेड सो दैट दे जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। इन दैट ऑर्बिट दे बिकम्स अनस्टेबल सच दैट दे रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू। अगेन दे जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट। से पोस्टुलेट को नहीं कि आम कौन पाइले सेकेंड पोस्टुलेट को नहीं कि जो हायर ऑर्बिट थी एनर्जी रू आम जो लोअर ऑर्बिट थी एनर्जी को आम जो फेड दबा तार तमु कौन आसो पिले एच न्यू आकर शो कर। दिस इज द हला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड पोस्टुलेट। हला तो हमको जहाँ देखा आम ता इम्प्लीमेंट कले। स्टेट पचार स्टेट एंड एक्सप्लेन बोर्स पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम जोड़ा कि तुमको कहली। तो मन रख पे दुटा इंपोर्टेंट पोस्टुलेट। तो दि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम ये लिखाई है। दि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस कंटेन होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट नोन एज कौन पे देखा देख नोन एज इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट रे घूरिब सर्कुलर ऑर्बिट रे जदी घूरची से तार से कांस्टेंट ऑर्बिट को हमें से जो सर्कुलर ऑर्बिट को हमें कौन कहिबा कांस्टेंट ऑर्बिट बोली कहिबा बा स्टेशनरी ऑर्बिट बोली कहिबा बा परमिटेड ऑर्बिट बोली कहिबा। जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट रे घूरिब पिले से कौन पजेस करिब एंगुलर मोमेंटम को पजेस करिब। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन while revolving in stationary orbit is integral multiple of h by 2 pi kete pile h by 2 pi that means l equal to kete pile mu kahi saleni l equal to mv r equal to nh by 2 pi here n is the integral or integers can be represented as 1 2 3 like that hala second kon ko huchi electrons are absorbing energy in lower orbit they becomes excited hala तो लोअर ऑर्बिट थिबा इलेक्ट्रॉन कोन करछि एनर्जी को अब्जॉर्ब करिके से कोन होछि एक्साइटेड होछि सो दे जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट पिले। इन दैट ऑर्बिट दे बिकम्स अनस्टेबल हला ड्यू टू अनस्टेबल कंडीशन दे रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केते पिले एच न्यू। अगेन दे जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट पिले। सो En2 - En1 इक्वल कोन पिले एच न्यू पिले नोट कर दियो। दिस इज द टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। तक मु चारि भाई रिप्रेजेंट कर छी। ओके पिले चल नेक्स्ट टॉपिक को जीवा इंपोर्टेंट पिले। ये नेक्स्ट असला पिले ड्रॉ द सर्किट सिंबल एंड राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट ऑफ NAND गेट। ये तमरो सिलेबस नै तनो हमें डिस्कस करियो आवश्यकता न हो। चलो नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट रे कोन कोछ देखो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ ए न्यूक्लियस विद इट्स मास नंबर एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ बोली कहला। तो देखो पिले एटा गोटे ग्राफ देखा ना पे ग्राफ रंग एक्स एक्सिस मास नंबर वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर है प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर मीन मास नंबर को लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर ग्राफ रिप्रेजेंट पे। दिस इज द ग्राफ कौट आरंभ देख तुम ड्यूटेरियम को आरंभ दैट इज 1s2 आरंभ दिस इज 1s2 1s3 दैट मीन 2h3 देन आसला लिथियम हला देन आसला हीलियम देन आसला लिथियम
तार आइसोटोप देन आसला कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो पिले जदि आमे चिंता करिबा हला आमे ए कोन सुचेबा को एलिमेंट रो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबल अछि को एलिमेंट रो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोन अछि पिले लिस्ट स्टेबल अछि हला ताको आमे सुचेबा तो मास नंबर केते जगह रखिले तमर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी मेंटेन करिवो केते बिलो हे गेले तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अनस्टेबल हे जिवो बा केते एबव हे गेले तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अनस्टेबल हे जिवो ताको स्टेबिलिटी मेंटेन करे पे हम कोन करिबा छे ताको जानिबा से प्रोसेस को हम कोन कहिबा ताको हम आज डिटरमाइन करिबा ओके बिले तो देखो बिले तो मु नै छि बिले एक्स एक्सिस रे मास नंबर नै छि केतरो आरंभ होइ छि 0 रो अप टू केते जाय जाय छि बिले 260 जाय जाय छि मास नंबर वाई एक्सिस रे मु देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाय नै छि तो पिले चिंता करो जत बेले मास नंबर को लेस देन 30 नेबी बा केछि वेयर तमर थियो मास नंबर लेस देन 20 भी थिबो तो मास नंबर 20 बा माइल मास नंबर लेस देन 30 नै छि पले जगह रे देखो हला जत बेले मास नंबर लेस देन 30 नै छि पले से जगह रे जो कर्व मेंटेन हो छि बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन कर्व ता ड्यू टू मास नंबर जोगो से कोन करछि गुडे इररेगुलरिटी मेंटेन करछि को जगह रे बढ़ी जाउछि को जगह रे कमी जाउछि देखो पले धीरे धीरे बढ़ला टिके जिगजैग मोशन आस टिके बढ़ला हीलियम रे अगेन लिथियम रे कमी गेला टिके तारा आइसोटोप टिके बढ़ला अगेन तमर कोन आसी कार्बन रे बढ़ला नाइट्रोजन रे कमी गेला ए ऑक्सीजन रे बढ़ला देन सल्फर बढ़ला इमे देख चल तापर फेरम को पड़ेला तार तो जतो आमे मास नंबर लेस देन 30 को जिबा इट कोन देखौछि जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखौछि ये कोन होछि गुडे को किछि जगह रे बढ़ुछि किछि जगह रे तार न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कमी जाउछ किंतु केते बेले को कंडीशन रे मास नंबर लेस देन 20 रे तो ए जगह रे कोन होउछि ईच एलिमेंट तांकर नेबरिंग एलिमेंट थारो तांके मेंटेन करछन तांकर स्टेबिलिटी को सपोज फर्दर हम जदि कंसीडर करिबा लिथियम को धरिबा हीलियम को धरिबा हीलियम रो मास नंबर हला हीलियम रो जो स्टेबल मेंटेन होउछि जार पिक वैल्यू दउछि से मेंटेन करछ स्टेबिलिटी जार पिक टू टिके लेस हेला से होउछि अनस्टेबल मन ता तुलना रे कम स्टेबल बोली हम कहि परिबा तो लिथियम तुलना रे हीलियम कोन अछि प्ले मोर स्टेबल अछि सेही बोली हम जतले नाइट्रोजन वर्सेस कार्बन सहित तुलना करिबा कार्बन कोन होछि स्टेबिलिटी मेंटेन करछि काठर प्ले नाइट्रोजन थारो ए बुले कंडीशन होछि तार तेटु हम जानले जे इफ द मास नंबर लेस देन 20 हला द ग्राफ शोस इररेगुलरिटी दैट मींस इट्स डिफाइन जिगजैग मोशन दैट मींस हला इन दैट केस द एलिमेंट्स कंटेन हला द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू अदर मास नंबर ओके पिले चलो जत बेले हम जीवा मास नंबर 20 रो अप टू बा 30 रो अप टू 170 बा 180 जें जीवा सेते बेले कोन होछ पिले माने रखो हला सेते बेले जो से भीतर जो मास नंबर जे थिबा जति की एलिमेंट तार तो जति की एलिमेंट रहिले सेति की मास नंबर भीतर केतर केते 30 टू 170 बा किछि बेर थिबो 20 टू 180 भीतर सेति भीतर थिबा जो एलिमेंट हला से माने समानंकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को स्टेबल मेंटेन करिवे कोन करिवे प्ले स्टेबल मेंटेन करिवो तो सेति भीतर भी गोटे एलिमेंट मिथि अछि जहार की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मच स्टेबल पिले दैट इज मैक्सिमम बोली कहबा दैट इज से एलिमेंट ना हला पिले फेरम और ऑक्सीजन बोली कह सॉरी फेरम और आयरन बोली कहि परबा हला तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हला पिले 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मुझे पचारियो व्हिच एलिमेंट हुज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम दैट इज आयरन और फेरम ओके पिले तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेही बोली जतबेले मास नंबर मोर देन 170 को पळेबा अगेन से माने कोन हिजे पिले स्टेबिलिटी मेंटेन जो करथले से मानकर स्टेबिलिटी धीरे धीरे कमिबो हला बुझी परछो द्वितीय कथा पिले प्रत्येक एलिमेंट कोन करचोन चेष्टा करचोन स्टेबिलिटी मेंटेन करिवा पे हला किंतु मास नंबर लेस देन 30 और मास नंबर मोर देन 170 से मानकर मेंटेन करिवे स्टेबिलिटी पई से माने कोन करचोन किछि प्रोसेस को से माने यूटिलाइज करचोन तो जदि मास नंबर लेस देन 30 एथिबा एलिमेंट जाको से माने स्टेबिलिटी मेंटेन करिवा पई कोन करंती से माने उडे प्रोसेस रो सहायता नियंती ताको आजे न्यूक्लियर फ्यूजन बोली कोआ जे सो ए फ्यूजन प्रोसेस रे ए जो लाइटर एलिमेंट जाको फ्यूज हे की निजो भितरे किछि एनर्जी को रिलीज करचोंती जो दरे की से माने मच स्टेबल हे पाउचोंती हला बुझी परचो सेई बळी मास नंबर जते बळे मोर देन 180 बा 170 थाए से माने से भितर थिबा कोन एलिमेंट जाको से माने भी स्टेबिलिटी मेंटेन करिया पई से माने कोन करंती पिले
ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିବା। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫିସନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେଉଁ ହେଭିଅର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଟୁ ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅରରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ ଏଗେନ୍ କିଛି ଏନର୍ଜିକୁ ରିଲିଜ କରିବେ ହେଲା। ଟୁ ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ସେ ଦୁଇଟା ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଯାଏ କୋଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବ ବୋଲେ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମାସ୍ ନମ୍ବର 30 to 170 ଭିତରେ ଲାଇ କରିବ। ସୋ 30 to 170 ଭିତରେ ଯଦି ଲାଇ କଲା ମାସ୍ ନମ୍ବର ସେମାନେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତ ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ ଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କର୍ଭରୁ ଆମକୁ ଶୋ କରାହଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଦେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲା ଲେଖିଲି ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଗିଭ୍ସ ମେଜର ଦି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କର୍ କ'ଣ ଦେଖଉଛି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଶୋ କରୁଛି ପିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯାହାର କି ଗ୍ରେଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ସେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ ପିଲେ। ସୋ ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ ଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ମୋର ଷ୍ଟେବୁଲ ଇଜ୍ ଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମୋର ଷ୍ଟେବୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦି ଏଭବ୍ ଗ୍ରାଫ ହେଲା ସନ୍ ଦି ଏଭବ୍ ଗ୍ରାଫ ସନ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଡ୍ରନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ମାସ୍ ନମ୍ବର। ତାହାକୁ ନେଇକି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଡ୍ର କରାଯାଇଛି ମାସ୍ ନମ୍ବର ଧରିକି ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଇ ଲେଖା ହେଲା ମାସ୍ ନମ୍ବର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 30 ଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କର୍ ସୋସ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟି ସୋ ଦେ ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ଦେନ୍ ଅଦର। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାହାର ମାସ୍ ନମ୍ବର 30 ରେ ବିଲୋ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ଭାବରେ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଗ୍ରାଫ ଇରେଗୁଲାରିଟି ସୋ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେଇବର ଠାରୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଭରେଜ ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିବା ଏମାନେ ଯାହାର କି ମାସ୍ ନମ୍ବର 30 to 170 ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଲେସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ଭାବରେ ବିହେଭ କରନ୍ତି ହେଲା। ସେହିଭଳି ମାସ୍ ନମ୍ବର 170 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ଦେନ୍ 170 ଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କର୍ ଅଲସୋ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କର୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ତ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ନେବା ୟୁରାନିୟମ 238 ର ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାର ମନେ ରଖ ପିଲେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କେତେ 7.6 MeV ପିଲେ ମନେ ରଖ କାର ୟୁରାନିୟମର ହେଲା। ଦି ସେଚୁରେସନ ଇଫେକ୍ଟ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାସ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ 30 to 170 ଭିତରେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇଲିମେଣ୍ଟ ଯାକ ପାଇବା ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲିମେଣ୍ଟ ଯାକ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କ'ଣ ଥିବ ପିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିବ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟର ଟୁ ଅଦର ମାସ୍ ନମ୍ବର ଓକେ ହେଲା। ତ ଲେଖା ହେଲା ଦି ସେଚୁରେସନ ଇଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର୍ ଦି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଦି ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ 30 to 170। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦାଟ ରିଜନ୍ ଇଲିମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆଇରନ୍ ହୁଜ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦାଟ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ 8.8 ମେଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ। ମନେ ରଖ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କାହାର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଇରନ୍ ର କେତେ 8.8 ମେଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ। ତ ୟୁରାନିୟମର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କେତେ 7.6 ମେଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ମନେ ରଖ ହେଲା। ସୋ ବୁଝିଲ ପିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଦାଟ ଦି ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେର୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହେଲା ପିଲେ ସୋ ଦେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫ୍ୟୁଜନ୍। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦୁଇଟା ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ହେଭିଅର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହେଭିଅର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ମାସ୍ ନମ୍ବର କୋଉ ଭିତରେ ଲାଇ କରୁଛି ପିଲେ କାହା ଭିତରେ ଲାଇ କଲା 30 to 170 ଭିତରେ ଲାଇ କରୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେବିଲିଟି। ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜରକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବା ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲେ ସିମିଲାର ଦି ହେଭିଅର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବ୍ରେକ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେର୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫିସନ୍। ତ ସେହିଭଳି ଏ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ ବା ରହିଲା ହେଲା ଏମାନେ ଯେଉଁ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ ଇଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଡିସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବ୍ରେକ୍ ହେଇପାରିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଲାଇଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ମାସ୍ ନମ୍ବର କୋଉ ଭିତରେ ଲାଇ କରୁଛି 130 to 170 ଭିତରେ ଲାଇ କରିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଆଇବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ। ସୋ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର କର୍ଭରୁ ଆମେ କି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଲେ। ସୋ ଆକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଆକୁ ନୋଟ୍ କର ଏ ଗ୍ରାଫକୁ ନୋଟ୍ କର ପିଲେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଡ୍ର କର ଓକେ। ତା ସହିତ ଏତିକି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷର ଆସିପାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିମାର୍କ ବୁଝିଲ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଆସିପାରେ ମେବି ହେଲା ନୋଟ୍ କର ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ ଗସ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଆପ୍ଲାଇ ଇଟ୍ ଟୁ
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर बोली पचारला तो गॉस लॉ कौन कहूछे स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट और कॉइल इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज दैट सरफेस तो हमें जदि सर्किट बाय क्लोज सरफेस बोली कहबा ताहिरे जति के चार्ज प्रोड्यूस होबो केते 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्रिएट होबो हला तार से लिखला द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज दैट सरफेस तार्थ सपोज एरा होची गुडे इमेजिनरी सरफेस एरु चार्ज स्पिले ए चार्ज कोन कला नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स को छाडला एडा मे स्मॉल सरफेस को ड्रा करले ए जगह रे कोन होची देखो कोन हो देखो ए जो चार्ज है कोडे होची गुडे फ्री स्पेस रे अछि तनो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स के रहला चार्ज रहला सो लिखा गला q बाय एप्सिलॉन नॉट बोली लिखा गला सो फाइ इक्वल कोन लिखा गला पिले q बाय एप्सिलॉन नॉट आकर लिखा गला हला बुझी पार्छ ए चार्ज रहला पिले गुडे फ्री स्पेस रहला हमें गुडे इमेजिनरी सरफेस ड्रा करले ताको एले गॉसियन सरफेस तो ये चार्ज कौन कला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को छाड़ला बुझी पार्छ तो आर भी एरिया अछि तार से हम कोन पाइले फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तार तो कोन दला पिले इलेक्ट्रिक फील्ड आ कोन एरिया सहित कोन कला पैरेलल कला डीए सहित ई डॉट डीए वेक्टर आकर कला जदी हम पूरा पूरी टोटल पाइन जीवा सरफेस इंटीग्रल देखिबा तार त एडा होस तार फॉर्मेशन बुझिलो पिले हला तनो हम डेफिनेशन कोन लिखिबा द टोटल फ्लक्स लिंक टू इट है Closed surface is equal to 1 by epsilon time total charge enclosed that surface will expire. So phi equal to q by epsilon 0 is equal to surface integral of a dot da kare koi pariba. Okay, pile. So aku ne ki se kon koi chi apply to find the expression for the electric field due to an infinitely long straight wire boli koila. To pile eta dekho mu diagram put draw korchi. E question ta mu already Gauss law ku ne ki tar application re mu eta koi search pile tenu mu aku derive karuni. ओके पिले सो तमे मोर लिंक बटन को जाई के तमे देखि परबा ओके पिले तो देखो एटा जे उडे आउतर कह दउ छी उडे इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर नै गेल तायरे कोन छनी नंबर ऑफ चार्ज जको डिस्ट्रीब्यूटेड हिक छनी हला तो ए जो इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जको उडे पर्टिकुलर पॉइंट रे ए पर्टिकुलर पॉइंट रे मु कोन कैलकुलेट करबी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करबी सेति पई मु कोन कली उडे गॉसियन सरफेस को ड्रा कली ए गॉसियन सरफेस टा किन देखाउ छी उडे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस देखाउ छी हला तो पिले ए चार्ज जो को पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करबी पिले तो तार दूरता आर दूरता रछि पिले के दूरता रछि आर दूरता रछि हला तो मु जतले गॉसियन सरफेस को ड्रा कली तो केतरा फेस देला पिले फर्स्ट फेस सेकंड फेस एंड दिस वन इज द थर्ड फेस देला तो देखो इ कोन होसला सपोज आकु जदी फर्स्ट फेस भाबीबा आकु सेकंड फेस भाबीबा थर्ड फेस भाबीबा तो अर्थ टोटल फ्लक्स लिंक टू दिस सर्किट इज इक्वल टू हम लिख परिबा केतरे से फाइ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 जान छि पिले हला द्वितीय कथा ए जो फाइ को अनदर फार्मूला कोन लिखसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए बाय ई डॉट डीएस आ लिखसे सो ई डीएस को हम जदी भांगीबा तो फर्स्ट सरफेस पे भांगीबा सेकंड एटा होची फर्स्ट सरफेस पे भांगीबा कर्व सरफेस पे देन आसला ए फेस पे भांगीबा देन आसला अपर फेस पे भांगीबा तार तो अपर फेस आ इलेक्ट्रिक फील्ड कोन करिवो परपेंडिकुलर करिवो तार वैल्यू केते दबो पिले 0 हबो लॉयर फेस इलेक्ट्रिक फील्ड कोन करिवो पिले परपेंडिकुलर करिवो तनु तार वैल्यू केते जो 0 आ ओनली रिमेनिंग पार्ट हम को रहला देखो एटी डीएस डायरेक्शन रहला इलेक्ट्रिक फील्ड रहला ए गोटे सरफेस पे चले गोटे कर्व सरफेस पे चलला तार तो कोन मिलला सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल s1 ई डॉट डीएस आकर मिलला दैट मींस ई वेक्टर डीएस सो से मान भीतर एंगल केते cos 0 सो ई डीएस आकर मिलला हला सो डीएस केते पिले टोटल कर्व सरफेस एरिया पे हम किन फाइंड आउट करिया टोटल सरफेस केते पिले हला तो गोटे सर्कल पे 2 पाई r इन केते लेंथ अछि l लेंथ अछि पिले सो 2 पाई r सो केते आसला पिले फाई इक्वल टू 2 पाई आर एल आसला इनटू ई आसला केते आसला फाई इक्वल टू 2 पाई आर एल इनटू कोन आसला पिले क्यू ई हला फाई इक्वल कोन ई डॉट एस ई केते इनटू एल ला ई आकर लिख परबा हला ए फार्मूला लिखला अगेन ए जो चार्ज जेते बळे गुडे कंडक्टर रे इंप्लीमेंट हे गछन चार्ज फॉर यूनिट लेंथ बोली हमें कहि परे दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आकर नबा सो चार्ज फॉर यूनिट एल आकर लिखिबा सो इटा हम कोन लिखिबा क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू एल आकर शो करिबा का करे लैम्डा एल आकर शो करिबा अगेन जान से फाई इक्वल कोन पिले क्यू ई पिले फाई इक्वल कोन फाई सॉरी फाई इक्वल कोन क्यू बाय एप्सिलॉन 0 पिले केते पिले फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 पिले हला ए भने फार्मूला पकेबा फाई इक्वल केते क्यू बाय एप्सिलॉन 0 हला क्यू बाय एप्सिलॉन 0 पिले सो ए जगह रे क्यू बाय एप्सिलॉन 0 पके दियो क्यू बाय एप्सिलॉन 0 पुट कर दबा तार त केता आसीला 2 पाई आर एल इनटू ई
ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି ତାହେଲେ ଖାଲି କହୁଛି ତମକୁ ସେ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଲାମ୍ଡା ଏଲ୍ କୁ ପୁଟ୍ କର ପିଲେ ଯଦି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଲାମ୍ଡା ଏଲ୍ କୁ ପୁଟ୍ କରିବା ଲାମ୍ଡା ଏଲ୍ ବାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ଜିରୋ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା 2πrl ଇନ୍ଟୁ ଇ ଆସିଲା ହେଲା ସୋ ଏଲ୍ ଏଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ପିଲେ ହେଲା ଦେଖ କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରିକର ସୋ ଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା ଲାମ୍ଡା ବାଇ 2πrl ଆର୍ ଆକାରରେ ସୋ କଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଏଟ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ପୁରା ପୁରି ପ୍ରପର୍ଲି ଡିରାଇଭ୍ କରିଦେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ ଲର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଢିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକି ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି କହିଛି ଏବେ ବି କହିସାରିଲି ଏଭଳିଆ ଏକା ହବ ହେଲା ଏଇଟି ମୁଁ ଏଇଠି କରିଛି ଲାମ୍ଡା ବାଇ 2 ପାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ 0 ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଓକେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ୍ କୁ ଯିବା ଡଟ୍ କରିଦିଅ ଏଇଟାକୁ ହବ ଯାଇକି ତମେ ଲେଖିଦବା ନେକ୍ସଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି 2 ପଏଣ୍ଟ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ए आमु डायग्राम टा देछि को भले देछि को पिला मु ए डायग्राम को बुलै दउछि देखो ए भले कर दउछ ए भले कर दउछ हला एटा मु चेंज कर देले एटा मु मोड देले सो एटा होछ पिले ए एटा होछ पिले बी आर एक्रॉस रे केते अमाउंट रो रेजिस्टेंस क्रिएट होछ ता कैलकुलेट 2 एटा होछ पिले 3 एटा होछ 2 एटा होछ 3 हला ए भले आछ क्वेश्चन ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ପିଲେ 4 ଓମ୍ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ପିଲେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆର୍ ବାଇ ଏସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ତ ଏ ମିଡ୍ ପାର୍ଟ ତା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଏଇଠି ଯାହା ବି ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମିଳିବ ଏଇଠି ବି ତାହା ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଥକୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବା ଯଦି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବା ପିଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଦେଖ ଏଭଳିଆ ଆସିବ ହେଲା ଏଟା ଆସିଲା 2 ଓମ୍ ଆ ସହିତ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ 3 ଓମ୍ ସହିତ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ସିରିଜ ହେଇଯିବ ଏଗେନ୍ ଇଏ ବି କଣ ହେଇଯିବ 2 ଓମ୍ ଆ ସହିତ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ 3 ଓମ୍ ସହିତ ସିରିଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚାଲ ପକେଇ ଦିଅ ଇଏ 3 ଓମ୍ ସରି ଏଟା ଆର ହେଲା ଏଟା 2 ଓମ୍ ଆର ଆର କେତେ ପିଲେ 3 ଓମ୍ ହେଲା ଏଟା 2 ଓମ୍ ଏଟା ହେଲା 3 ଓମ୍ ଚାଲ ପକ ଏ ଦୁଇଟା ସିରିଜ ପିଲେ तो पिले ए जगह हम जब चिंता करबा ए जगह जदी हम कंसीडर करबा तार तो आर देखो आको आर1 नै जो आको आर2 नै जो आको आर3 नै जो आको आर4 नै जो हला तार तो कोन आइला प्रथमे देखिबा आर एस पई एस1 पई देखिबा तार तो कोन पिले आर1 प्लस आर2 इज जो पिले तार तो आर1 प्लस आर2 हेगला केते छला 5 ओम इज जो पिले काहेकि 2 प्लस 3 केते इज जो 5 सेही भली आर डबल प्राइम एस इज पिले तार तो को देखो आर3 सहित आर फॉर मिस जीरो आर थ्री कहते हैं कहते हैं 2 प्लस 3 प्ले दैट इज कहता असला 5 ओम ये भी हला तो एबे कोन देखाउ छ देखो ये जो फिगर ता का कर शो कला प्ले गोटे सीरीज पैरेलल कनेक्शन शो करबा तार अर्थ ये असला ए भलिया ये भी असला ए भलिया तार अर्थ ये असला आर 1 एस ये असला आर डबल प्राइम एस तार अर्थ आर अक्रॉस ए बी किन पाइबा सो आर अक्रॉस ए बी इक्वल हम किन पाइबा आर 1 एस into r double prime s divided by r1 s plus r double prime s पाइबा तार थार दिल्ली केते पिले पको केते आसीला देखो 5 into 5 divided by 5 plus 5 दैट इज केते आसीला 25 by 10 तार केते आसीला 2.5 आंसर 25 by 10 केते 25 by 10 केते 2.5 25 बाय 10 हला 25 बाय 10 केते आसला 2.5 ओम तो हम केते पाइले इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव केते पाइले पिले अक्रॉस ए बी हला दैट इज 2.5 ओम केते पाइले 2.5 ओम पाइले केते पाइले पिले 2.5 ओम पाइले ओके चलो नोट कर दियो एटा तापर एटा नेक्स्ट आर पॉइंट लिख दबो देन एटा काट दबो देन एटा काट के ओके चल नेक्स्ट को जीवा तो पिले एथि मदर तमरो 3 मार्क क्वेश्चन 2020 रो फिनिश हला पिले आउ किछि पिला किछि डाउट देथिले ता डाउट थिला ता क्वेश्चन करथिले ताको आज हम सॉल्व करबा चल तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन को देखो एग्जांपल द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 816 इज 3 इनटू 10 टू पावर -15 मीटर सो पिले आर ऑफ ऑक्सीजन के दीची
3×10⁻¹⁵ ଦେଇଛି। କେତେଛି 3×10⁻¹⁵ ଦେଇଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଆର ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ର। ତ ପିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ର ମାସ ନମ୍ବର କେତେ ପିଲେ? ମାସ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଛି ପିଲେ? ଦେଖ 16 ଦେଇଛି ହେଲା। କାହିଁକି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଟମ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହଉଛି ମାସ ନମ୍ବର ହେଲା। ସେହିଭଳି कौन पचारा न्यूक्लियर रेडियस आर टू पचारा और आर कह लेड पचारा आर पी भी पचारा पे क्वेश्चन टैग दला हला। कौन दे मास नंबर क्या देखिए? मास नंबर दे 205। आम जानी हला आ डस्टनल कौन पे एर पावर 1/3 तार तो पक तार हम लिखिपर आर पी बी डिवाइडेड बाय आर ओ इज इक्वल टू को लिखिपर पे एपीबी बाय एओ रो कौन पिले एटा पीबी केते पिले 1/3 हला। तो दैट इंप्लाइज हम लिख परबा हम आरपीबी पचार छी। सो आरपीबी इक्वल टू आर नॉट इनटू केते छला एपीबी डिवाइडेड बाय एओ रो पावर केते पिले 1/3 तार तो आरपीबी इज इक्वल टू आर नॉट केते आस पिले आर ओ दैट मींस 3×10⁻¹⁵ इनटू एपीबी केते पिल दिछि 205 डिवाइडेड बाय एओ केते रे दिछि 16 हला। पावर केते दिछि पिले 1/3 हला। तो आर वैल्यू केते आसला पिले आरपीबी आरपीबी इक्वल केते आसला 3×10⁻¹⁵ इनटू केता आसला आर एति जदि हम कैलकुलेशन करबा आर वैल्यू आसपिले 2.33 केता आसपिले 2.33 आकु हरिबा हरे कि तार 1/3 काडले 2.33 आसु आकु जदि गुणिबा पिले केता आसला मन रखो हला 6.99×10⁻¹⁵ मीटर आसला। केता आसला पिले रेडियस ऑफ लेड केता आसला 6.99×10⁻¹⁵ मीटर आसला। तो ये गिवन क्वेश्चन रो आंसर हला पिले जो माने डाउट पचारथिलो सेमानन पई आंसर हला पिले आरपीबी केते 6.99×10⁻¹⁵ मीटर। सो नोट कर दियो पिले इंपोर्टेंट आ पिले वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ। नेक्स्ट को देखा नेक्स्ट कौन कुछ देखो द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज 3×10⁻¹⁵ गिवन दिछि कौन पिले ऑक्सीजन रो रेडियस दिछि रेडियस ऑफ ऑक्सीजन दिछि केते 3×10⁻¹⁵ मीटर दिछि। फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर बोली कहला। तो न्यूक्लियर डेंसिटी मैटर पचारा पे तो आम जानचे डेंसिटी को आम रो रे डिफाइन कर डेंसिटी माने हला तार तो डेंसिटी केते रो रो रे डिफाइन कर रो इक्वल कोन पले मास पर यूनिट वॉल्यूम पले पले मास मींस का ऑक्सीजन रो मास केते पले मास नंबर दिछि मास टा ऑक्सीजन रो मास केते 16 पले मास नंबर दिछि। तो मास नंबर को जदी हम ए गुणिबा तार त हमरो मास बाहर हो पिले तार त इड पिले केना आसला 16 इनटू एडा छ मास नंबर पिले इनटू केते एमयू हला मास नंबर इनटू एमयू करो एमयू करले केते आसला एमयू आसला 1 एमयू इक्वल केते 1.67×10⁻¹⁵ केते पिले 27 केजी हला केते केजी 27 केजी हला तार तो 1.67×10⁻¹⁵ केजी बुझ पलेओ। ओके पिले डिवाइडेड बाय वॉल्यूम माने कोन पिले 4/3 पाई आर क्यू पिले हला तार थेट कोन आसला 16×1.67×10⁻¹⁵ हला डिवाइडेड बाय 4/3 पाई को पाई रखिबा पाई मीन पके दियो नले केते 3.14 आर क्यू माने केते पिले आर मान दिची 3×10⁻¹⁵ रो पावर केते पिले 3 केते दिची एति दिची हला तो -27 केजी। ओके ओके ना पिले केते असला एति जिंस असला आकु जदी हमें कैलकुलेशन करिबा हला आकु जदे हमें कैलकुलेशन करियो पिले तो कोन देखो हला आर वैल्यू आसियो पिले मन रखो 2.33
3.5×10^17 हला केजी पर मीटर क्यूब हला केते आसीबो 2.35×10^17 केजी पर मीटर क्यूब आसीबो तो एज अ फाइंड द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर बोली कहला तार वैल्यू केते आसीबले 2.35×10^17 केजी आकर आसीबो केते आसीबले 2.35×10^17 केजी पर मीटर क्यूब देख दे पहले आर्जर और वैल्यू होती की ए रो वैल्यू होती की पहले मास नंबर दे छी हमको मास दरकार तनो मास नंबर सहित हमें 1 एमए को गुणीबा 1 एमए रो वैल्यू केते 1.67×10^-7 केजी डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यू आर वैल्यू दे छी पुट कर दियो आर ऑफ ऑक्सीजन दे छी तार्थ केते तो पकाय देले आर केते 3×10^-15 केते 3.14 पकाय दबा तार्थ आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट एज 2.35×10^17 केजी पर मीटर क्यूब आसी ओके पिले सो ए दिटा क्वेश्चन किछ पिलांगो डाउट थिला तेन मय दिटा को डिस्कशन कर देले आज आमे कोन कोन डिस्कशन करले पिले तो लास्ट ईयर 2020 रो 3 मार्क क्वेश्चन फिनिश कर देले ता सहित पिलांगर किछ डाउट थिला दिटा क्वेश्चन से माने प्रोवाइड करथिले तेन आज मय डिस्कशन कर देले पिले सो थैंक यू फॉर वाचिंग दैट वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स।